नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, मैं स्पेशल प्रोग्राम रविवार के दिन लेकर आता हूं जिसका नाम है यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जो पूरे देश में टॉप 10 में बने हुए हैं। आप सभी के चहेते खेसारी लाल यादव और भी जो तमाम कलाकार हैं, उन कलाकारों का पोजिशन क्या है और भोजपुरी कलाकारों का पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, इसको भी लेकर मैं लगातार बातचीत करता रहता हूं। और उस प्रोग्राम पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं और आप अपना इतना प्यार बरसाते हैं कि आपको भी वो प्रोग्राम देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और उस पर आप लोग खुशियाँ जाहिर करते हैं और आप लोगों को भी अपडेट मिल पाता है कि भोजपुरी का कौन सा कलाकार है जो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। और ये प्रोग्राम आप लोगों को ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के करीबी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मैं उन दोनों लोगों का इंटरव्यू कर रहा था, जिसमें उनके मैनेजर विवेक सिंह हैं, दबंग राइटर अखिलेश कश्यप हैं, तो उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम के बारे में खुलकर बातचीत की। किस तरीके से अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह ने मेरे यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स वाले प्रोग्राम को अप्रिसिएट किया और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को देखते हैं, वो बड़ा खुशी महसूस हुआ। इस मामले को लेकर अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप हमारे इस वीडियो में देख लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका एक सेगमेंट हम लोग को बहुत पसंद है, संडे को आपने स्टार्ट किया था वो संडे का यूट्यूब का चार्ट्स, म्यूजिक चार्ट्स। और यही होती है क्रिएटिविटी, आप कुछ अच्छा करो और कुछ नई नई चीज़ें ऑडियंस को दो, बाकी न्यूज़ तो सभी लोग बनाते हैं, तो वो आपका बड़ा अच्छा है एंड पीपल लव इट आई गेस। हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं, हम लोग देखते भी कि संडे को क्या होगा क्या होगा, तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते हमारे भोजपुरी रिमझिम दर्शकों के लिए जो कुछ कहना चाहेंगे, आपके अंदर जो भी विचार उमड़ रहा है हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, आप कुछ नहीं, इनका हम लोग न्यूज अक्सर देखते रहते हैं, हम आपसे मिले भी तो उतने हम लोग मंडे को भी इनका एक अपडेट आता है म्यूजिक चार्ट का, तो हम लोग को तो उतना आता नहीं कि वो कहाँ से निकलता है, हम लोग को कोई भेज देता है तो देख लेते हैं, नहीं तो यूट्यूब लगा देते हैं तो इनका दिख जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग भैया के साथ ही रहते हैं और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं इनका अब कि क्या क्या उसका रिपोर्ट है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ठीक है, आप हमारे इतने दिन से कम रिपोर्ट ही तो बता रहे हैं। हमें ये लगने लगता है कि मुझे और मेहनत करना चाहिए कि हमारे गाने बज रहे हैं या हम ऊपर हैं नीचे हैं, नीचे अगर पता चलता है तो थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं फिर ऊपर जा देते हैं। तो भैया का चैनल है, हम लोग देखते रहते हैं हमेशा, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, सबको सब्सक्राइब कीजिए जो भी इस भोजपुरी भाषा की बातें करते हैं।